श्वेता जरा देखना बाहर कौन है। अगर तुमने जरा से भी आवाज करने की कोशिश की तुम्हारी जिंदगी क्या थी आवाज, जाओ उसके पति को बंद कर दो। ज्यादा होशियारी नहीं, ज्यादा हिलने की कोशिश की ना तो बाहर तुम्हारी बीवी और इस कमरे में तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांसें होंगी। मुझे मेरी वाइफ के पास जाना है। तुम्हारी वाइफ सेफ है, लेकिन तब तक ही सेफ है जब तक तुम हमारी किसी भी बात को मानने से इनकार नहीं करते हो। क्या चाहती हो तुम? इस घर में जितना भी कैश और गोल्ड है। कैश बैंक में है और गोल्ड लॉकर में, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं देता। ये तो हम चेक करके बताएंगे कि कैश और गोल्ड किधर है, चाबी किधर है। चाबी? चाबी मेरी वाइफ के पास है। पार्टनर, चाबी उसी औरत के पास है, उससे चाबी ले लो। ओके पार्टनर, ले जाओ चाबी। चाबी कहाँ है? ये आवाज कुछ सुनी हुई लग रही है मुझे। चाबी? आई नो हिम, अरमान। ये अरमान की आवाज है ना? अरमान, 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 तुम ये क्या कर रहे हो? नीरज, तुम इसे जानते हो? बहुत अच्छी तरीके। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स कर रहा था तब ये ग्रेजुएशन कर रहा था और मैंने इसकी बहुत हेल्प की है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। अरमान, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो फंस गया बहुत बुरी तरीके से। What do you mean? और कहां फंस गए हो तुम? छोड़ो, let's go। अरमान, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे अब तुम इनकी नजर में आ चुके हो। अरे हमारे यहाँ से निकलते ही सीधे पुलिस कंप्लेंट करेंगे। अरे हम जेल की सलाखों के पीछे होंगे और तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। अरे तो मैं क्या करूँ? एक काम करते हैं, इन दोनों को मार देते हैं और सारा ज्वेलरी और कैश लेकर निकल जाते हैं यहाँ से। सुनो सुनो सुनो, हमें मार कर तुम्हें कैश और ज्वेलरी नहीं मिलेगी। लेकिन हम तो बच जाएंगे ना, बदनामी से भी और कानून की सजा से भी। मैं वादा करता हूँ हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, भरोसा करो मुझ पर। और हम कैसे मान ले आपकी ये बात? मुझे भरोसा है इन पर, ये लोग झूठे और धोखेबाज नहीं है। मैं इनके ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। अगर इन्होंने बोल दिया है कि कंप्लेंट नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं करेंगे। चलो यहाँ से। अरमान, जज्बातों में बहकर पागल मत बनो। अरे हमारे जाते ही पुलिस कंप्लेंट करेंगे, हम सलाखों के पीछे होंगे। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, मुझे जेल जाना मंजूर है। पर मुझे मंजूर नहीं, बड़ी ही मेहनत और कई दिनों के प्लान के बाद मैं यहाँ पहुंची हूँ। मैं अपना टारगेट पूरा करके ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपना रास्ता बदलो। एक काम करती हूँ, मैं इन दोनों का काम तमाम कर देती हूँ और सारा कैश और गोल्ड लेकर यहाँ से निकल जाती हूँ। मुझे पता है मेरी गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे को यहाँ पे मेरी मजबूरी खींच के लेके आ गई। तुम तो बड़े स्वाभिमानी इंसान थे अरमान, मुझे लगा नहीं था तुम ये अरमान हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि तुम अरमान का मुखौटा पहना हुआ है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी कि तुम ये काम करने को उतर आए जो तुम्हारी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है? ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही पिताजी एक्सपायर हो गए और वो दुकान तो पहले ही बेच चुके थे, कोई ढंग का रोजगार भी नहीं मिल रहा। छोटी मोटी जॉब कर रहा था, अचानक से बहन की शादी सर पे आ गई और माँ को लगा कि मैं बहुत बड़ी जॉब कर रहा हूँ। माँ को मेरे से बहुत उम्मीद थी और मुझे 7 दिन में 10 लाख रुपये माँ को भेजने थे। मैंने सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं। एक दिन मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे नीलम मिला, वो मुझे कॉलेज से ही जानती थी और वो बहुत बड़ी क्रिमिनल है, उसका जेल में आना जाना लगा रहता है। उसी ने यह सारा प्लान बनाया और मेरी मजबूरी के कारण मुझे इसमें शामिल होना पड़ा। हालात कितने भी खराब हो अरमान, कोई भी मजबूरी हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन क्राइम का रास्ता कभी भी सही नहीं होता।
एक बार को तुम्हारी बहन की शादी रुक भी जाती तो इतना बुरा ना होता, लेकिन अगर तुम्हारी बहन को ये बात पता लगती कि तुमने उसकी शादी के लिए तुमने किसी के घर चोरी की, तो वो भी तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती अरमान। दीपाली, यही नाम है ना तुम्हारी बहन का, एक बार उसको मुझे भी राखी बांधी। अपना या अपनी माँ का अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें अभी 10 लाख रुपए ट्रांसफर करता हूँ। और साथ ही साथ तुम्हें एक सजा भी दे रहा हूँ, मैं शामली में एक बहुत बड़ा होटल खोल रहा हूँ, उसमें तुम्हें मैनेजर की जॉब दूंगा और अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। माँ को फोन लगाओ। हेलो माँ, मैं धीरज। दीपाली की शादी के पैसों का इंतजाम हो गया है, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, आप बस तैयारी कीजिए। और हाँ, मैं भी आ रहा हूँ साथ में अरमान के साथ। और मैं भी चलूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम साथ चलेंगे। हाँ वैसे अब इसका क्या करेंगे? इसका ये दोनों तो नकली हैं।